अभियान कैच द रेन विषय के अंतर्गत वर्षा जल की संरक्षण हेतु राष्ट्रव्यापी आयोजन किए थे। राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 और 2021 में कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान शुरू किया, जिससे सभी राज्यों और हितधारकों को वर्षा जल संरक्षण संस्थाएं बनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जलदूत आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक जल अनमोल्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको जल प्रदूषण के कारण और उनके समाधान के बारे में बताएंगे। मैं जलदूत, जल अनमोल, आप सबके जीवन का आधार, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी मुझ पर निर्भर है, परंतु मैं प्रदूषित हूँ। मुझे बचाएं। बचा लो अपने कल के लिए भी कुछ, ना समझी में खुदा से लड़ने लगे हो तो। हवाओं ने अगर अपने देवर बदल लिए तो सांसों के लिए भी तड़पने लगोगे तुम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी में डालो तो मर जाएगी। अरे भाई, आपने लाइन गलत बोली है। अरे मैंने सही तो बोला है, आजकल पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि मछलियाँ पानी में ही मर रही हैं। हमारे जल संसाधन इतने प्रदूषित हैं कि समुद्री पौधे और जानवरों की मृत्यु हो रही है। एक प्रदूषण जल भी भूल गए हम इसको कल भी। पानी रे तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। हे प्रभु, ये गंदे पानी के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? तो देखा आप सबने कैसे प्रदूषित पानी के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। क्या ये हमारे भविष्य के लिए उचित है? देख रहे हैं आप सब, हमारे किसान भाई कैसे रो रहे हैं। इस गंदे पानी की वजह से उनकी भी फसलें एकदम बर्बाद हो चुकी है। ये हमारी गलती है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नदियों एवं अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखें, ताकि हमारी प्रकृति और जल जीवन सुरक्षित एवं स्वच्छ रहे। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाए तब भी नहाना चाहिए। भाई मैं तो रोज नहाऊंगा और रोज अपने बाल धोऊंगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आजकल लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और तुम पानी को व्यर्थ कर रहे हो। मुझे क्षमा करिए, मैं अगली बार से पानी ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा। बेटा, क्या आप ऐसे ही रोज इतने सारे जल से आपकी कार को साफ करते हो? हाँ, मैं रोज ऐसे ही अपनी कार को साफ करता हूँ। सिर्फ एक बार आप पानी के पाइप के बजाय बाल्टी और स्पंज का इस्तेमाल करके देखिए, इससे कितना पानी बचाया जा सकता है आप खुद ब खुद जान जाएंगे। तुमने सही कहा, अब से मैं अपनी कार को बाल्टी और स्पंज से ही धोऊंगा, इससे पानी बहुत कम यूज होगा। गांव कस्बों में आप सभी ने तालाब तो बड़े देखे होंगे, जिनमें हम वर्षा का पानी बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं, परंतु हम इंसानों ने तो इस तालाब को फाड़ के ही रख दिया है।
अगर हम किसी तरीके से हमारे घरों के छत से गिरने वाले पानी को स्टोर कर ले तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। भाइयों, क्या आपको पता है बैंगलोर में जल समाप्त हो गया है। हमें जल का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी बचाना है, नहीं तो तरस जाओगे। चतुर बनो, जल रक्षक बनो। इस पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए जल बचाओ। इस ग्रह को बचाने के लिए जल बचाओ। पानी पानी पानी। अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। बेटा, ये पानी मैं तुम्हें कैसे पिला दूं? ये पानी प्रदूषित है। तो अब मैं क्या करूं? मेरा तो गला सूख रहा है। देख रहे हैं आप, प्रदूषण के कारण पानी पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके कारण कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं अधिक बारिश होती है तो कहीं बारिश ही नहीं होती। आप सब तो जानते ही होंगे, दुबई अब दुबई नहीं रही, डूब गई। इसलिए कहते हैं हमें अपनी प्रकृति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका हमें बहुत बड़ा ऋण चुकाना पड़ सकता है। किसान अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके भी जल संरक्षण की इस प्रणाली में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रणाली में जल सीधे पेड़ों की जड़ों में जाकर उन्हें बर्बाद हुई होने से बचाता है। तो देखा आपने कैसे हम छोटे छोटे कदम लेकर अपनी पृथ्वी और अपने जल को समाप्त होने से बचा सकते हैं। जिस तरह पत्थर पर गिरती छोटी छोटी पानी की बूंदें उसमें छेद कर देती हैं, उसी तरह मानव भी छोटे छोटे प्रयासों से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो देखा आपने आप मुझे कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? मिलजुल कर बचाएं जल ताकि बढ़े अपना कल। जल बचाओ, हमेशा बनाओ।